रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मचाया कहर। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कगेरसुर रवाड़ा का कर दिया कवाड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और हिटमैन रोहित शर्मा का आया तूफान। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान और आप भी इन्हें करेंगे सलाम। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से विस्फोटक बल्लेबाजी करके इन दोनों ने साउथ अफ्रीके के गेंदबाजों को खूब धोया और साउथ अफ्रीके के गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। वर्गर रवाड़ा बार बार यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये मैदान पर उल्टा क्यों हो रहा है। 100% साउथ अफ्रीका की मैच है साउथ अफ्रीका के हक में चला गया था, लेकिन भारतीय दिग्गजों के बल्लेबाजों ने पूरे के पूरे मैच को पलट दिया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आपको खुद लाइव दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हारा हुआ मैच जीत लिया। जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दूसरे दिन का मुकाबला है। आप सभी को बता दूं, जहां पर टेस्ट मुकाबले को 5-5 दिन लग जाते थे जीतने में, 3-3, 4-4 दिन, लेकिन उसी टेस्ट मुकाबले को भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 1.5 दिन में ही जीत लिया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐसा कहर बरसाया कि यहाँ पर परखच्चे उड़ गए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के। जहां पर मैं आपको बता दूं, विराट कोहली, शुमन गिल, श्रेयस अय्यर, दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी केएल राहुल फ्लॉप रहे, वहां पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को मुकाबला जिता दिया। विराट कोहली आउट हुए, लेकिन विराट कोहली को ऐसा लगा कि मैं आउट नहीं हूं, तो विराट कोहली ने रिव्यू लिया और रिव्यू लेने के बाद पता लगा कि विराट कोहली आउट है। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, विराट कोहली के कैच आउट होने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर आए, जहां पर श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू की, जहां पर 6 गेंदों पर 1 भी रन नहीं आया। लेकिन 6th बॉल है वो नोबॉल चली गई, जहां पर दोबारा नोबॉल डालने के लिए आए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जिया वर्गर, उन्होंने 4 रन दे दिए श्रेयस अय्यर को और चौका मारने के बाद श्रेयस अय्यर ने मुकाबला जीत लिया, जहां पर हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को जीता है। क्योंकि यहां पर 80 रन रोहित शर्मा ने ठोके और यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम में मुकाबला जीत गई। इतिहास में पहली बार हुआ कि दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने अपने हक में किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।